Students, welcome to my channel. Today we are going to start some numerical portion of the accounting, and it starts from the chapter accounting equation, right? So we are going to start the chapter that's name is accounting equation. Accounting equation. हम इसको बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे इसके फॉर्मूलाज और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इंग्लिश में सिंपल एंड सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यू डोंट हैव टू क्रैम, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जितने भी वीडियोज़ हैं कुछ आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, ठीक है, एक स्टोरी सुनते हैं, एक आपको मैं बताती हूँ स्टोरी। उसमें क्या करते हैं, एक सपोज करते हैं, सपोज यू आर अ बिजनेस मैन और वुमेन, ठीक है, आप कोई बिजनेस मैन या वुमेन हैं, तो यू जस्ट हैव एन आइडिया कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर स्टार्टिंग अ शॉप, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ शॉप, एक शॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट यू रिक्वायर, अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट नीड ऑफ योर इज दैट यू रिक्वायर, आपको क्या चाहिए, एक शॉप के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, राइट, आपको स्टॉक चाहिए, आपको कुछ फर्नीचर चाहिए, आपको लैंड चाहिए, और आपको ऐसे ही सारी क्या चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें जो कि एक लॉन्ग टर्म तक चलें और साथ में वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए यूज़फुल हो, तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए, राइट। ये इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, प्रेमिसेस हो गया, मशीनरी चाहिए आपको, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, राइट। अब आपने सोचा ठीक है, ये मैं मुझे एसेट्स चाहिए, और मैंने टोटल काउंट किया और इन टोटल काउंट को मिला के मुझे जो मैंने इनका रुपीज़ में मेजर किया तो मुझे 2 लाख रुपये चाहिए। अब प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास जो कैपिटल, मेरे पास जो पैसे हैं, वो जो मेरा खुद के पास जो पैसे हैं वो तो मेरे पास सिर्फ 1,20,000 रुपीज़ हैं, मतलब जो मेरे पास इस टाइम जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ एज अ कैपिटल, तो 1,20,000 रुपीज़ हैं। तो फिर अब मुझे लगा ठीक है, 1,20,000, अब कितने रुपीज़ की मुझे डिमांड है, अब 80,000 रुपीज़ हैं जो कि कम पड़ रहे हैं मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और दूसरा एक ही सोर्स है कि मैं बाहर से क्या ले लूँ, लोन ले लूँगी, चाहे वो लोन मैं अपने बैंक से ले लूँ या फिर मैं लोन कहाँ से लूँ, अपने फ्रेंड से ले लूँ या फिर किसी और से लोन ले लूँ जो कि लोन मुझे प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी मनी अरेंज करने के लिए 2 ही सोर्सेज होते हैं, या तो मैं अपना पैसा लगाऊँ या मैं बाहर से मैं लोन पे पैसा लूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि 2 लाख के मेरे एसेट्स से, जिसको मैंने कैसे अरेंज किया, 2 लाख की मेरी 2 लाख की मैंने टोटल एसेट्स खरीदनी है या खरीदी जो भी है, तो मैंने पैसा कहाँ से अरेंज किया, 1,20,000 तो वो कैपिटल, वो पैसा जो मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया, खुद पे से लेके आई मैं, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और दूसरा तरह से मैं जो पैसा अरेंज कर सकती हूँ वो है मेरी लायबिलिटी, कोई भी ऐसा पैसा जो कि मुझे दूसरे को वापस करना है, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। तो मैंने लोन लिया, चाहे वो मैंने किसी से भी लोन लिया है, तो वो मेरी एक लायबिलिटी है जो कि मुझे वापस करनी है, दैट इज़ ऑफ 80,000 मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने आपको भी ये चीज़ प्रूव कर दी कि जितने भी मैं एसेट्स एक बिज़नेस में खरीदूंगी या जितने भी एसेट्स एक बिज़नेस में होंगी वो एक्चुअली मेरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही होंगे। तो इसी से ही एक फॉर्मूला बना दैट एसेट्स ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस की जो एसेट होती है वो हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है, राइट। ये एक हमने फॉर्मूला अडॉप्ट किया, और इसी फॉर्मूले से, क्योंकि मैथ्स में हम करते हैं, अगर सपोज मुझे लायबिलिटी चाहिए, मुझे क्वेश्चन में पूछा हो कि बताइए आप लायबिलिटीज़ निकालिए, तो नेचुरली बात है ये लायबिलिटीज़ निकालनी है, बाकी के 2 टर्म मुझे दी ही होंगी, तो मैं क्या करूँगी, एसेट्स और कैपिटल इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एसेट्स माइनस कैपिटल मैंने यहीं से ओरिजिनेट किया फॉर्मूले को। देन नेक्स्ट, ऐसे ही अगर मुझे कोई कहेगा नहीं आप कैपिटल निकाल के दिखाइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यहीं से फॉर्मूला निकालते हैं, तो एसेट्स में से अगर लायबिलिटी इधर आ जाएगी तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, राइट। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये 2 फॉर्मूले भी निकाल लिए, राइट, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज़ ऑफ, चलो इसके लिए भी एक स्टोरी निकालते हैं, ठीक है। सपोज़ ठीक है, मैंने बिज़नेस में क्या किया, मैंने अपने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, ये मेरी फर्स्ट फॉर्मूला था दैट यू हैव टू रिमेंबर।
सेकंड मेरा जो फॉर्मूला है वो हम बनाते हैं। सपोज मैंने क्या किया, अपने कुछ पैसे लगाए, कैपिटल अरेंज की और कैपिटल अपना लगा दिया, मुझे 2 लाख की जरूरत थी, मैंने 2 लाख रुपए पैसे अपने लगा दिए अपने बिजनेस में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो हमें, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए देर आर टू टाइप ऑफ ईयर अकाउंट्स में हम जो मेजर करते हैं, हमने वो पढ़ा था अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि अकाउंटिंग पीरियड था कंसेप्ट, उसमें हमने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं पूरे जितने भी आप जितने टाइम तक आप बिजनेस चलाने वाले हैं उसको शॉर्ट पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं, और यूजली वो 1 ईयर का होता है, मतलब हम हर एक साल के बाद अपने अकाउंट्स बनाते हैं और देखते हैं क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, हमारी कैपिटल कितनी है, ये सब कुछ। तो हमने जो वो शॉर्ट इंटरवल में डिवाइड किया है अकाउंट्स बनाने को, यूजुअली 1 ईयर होता है, ठीक है। तो या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 1 ईयर में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब वो 1 ईयर कैसे हो सकते हैं, वो 1 ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर देखो नाम से पता चल रहा है, कैलेंडर ईयर जो कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, राइट। अगर मैं 2020 लगाऊँ तो 1 जनवरी 2020 एंड इट एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2020, राइट। तो दिस इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ये 1 साल का ड्यूरेशन हो गया, और कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो गया। एक दूसरी तरह का जो मेजरमेंट होता है अगर हम ईयर का करें, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम इसको मैं बोल सकती हूँ अकाउंटिंग ईयर, जो हम अकाउंट्स के पर्पज से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, राइट, और फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और फिर ख़त्म कब होगा, एंड कब होगा, एंड होगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि 12 महीने आपने लेके चलना है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, और मार्च में आपके 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टार्ट ज़रूर 2020 से करूँगी, लेकिन एक्चुअली जो ये मेरा ख़त्म होगा, जो मेरा ये पीरियड ड्यूरेशन जो ख़त्म होगा, दैट एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2021, राइट। ये अगले साल पे ख़त्म होगा, अगर 2019 में शुरू होगा तो 2020 में ख़त्म होगा, सॉरी इट्स नॉट दिसंबर, इट्स मार्च, सॉरी फॉर दैट, दैट इज 31 मार्च, क्योंकि जो अगला मार्च पड़ेगा वो अगले साल ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज ये 2019 होता तो ये 2020 होता, 31 मार्च, 2018 होता तो एंड कब होता, 2019 में एंड होता, 31 मार्च 2019, क्योंकि 12 महीने का ड्यूरेशन आपका वहीं पे ख़त्म होता है, राइट। अब मुझे कोई कहे कि एक्चुअली में आपने कितना पैसा लगाया, शुरू में जितना पैसा लगाया, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, ओपनिंग कैपिटल बोलूँगी। क्यों बोलूँगी, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग में लगाई, कब लगाई, अगर या फिर वो मुझे डेट दे देगा, वो मुझे कहेगा कि ऐसा है कि 1 अप्रैल 2020 को आपने इतना पैसा लगाया, और उसके बाद आपने इतना पैसा निकाला, इतना पैसा ये किया, इतना वो किया, आप मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या, इसके मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि 31 मार्च 2021 में आपकी कितनी कैपिटल थी, ठीक है ना। तो ये तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होता है जो कि बिल्कुल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल होता है, जब अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो आपने कैपिटल आपके पास है, दैट इज़ कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल आप निकालते हैं, या एंड ऑफ द ईयर जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको कैपिटल पता चलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। और इन इस ड्यूरेशन में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैपिटल को प्लस करती हैं या फिर कैपिटल को माइनस करती हैं, और लास्ट में जो हमारे पैसे निकलते हैं, लास्ट में जो हमारी कैपिटल निकलती है, उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि ओपनिंग क्या है और क्लोजिंग क्या है। यूजली जो हमारा कंपनीज एक 2013 कहता है, वो कहता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, मतलब आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च को एंड करना चाहिए, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिकमेंडेशन में आता है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने कैपिटल लगाई, मैंने अपने बिजनेस में क्या किया, कुछ पैसे लगाए, ठीक है। अब स्टार्ट कर दिया मैंने अपना बिजनेस और मैंने कुछ पैसे लगाए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पैसे लगाए, तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, मैंने कुछ पैसे लगा दिए, उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सपोज इट इज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़, मैंने 1 लाख रुपीज़ का बिजनेस अपने पैसे लगा के स्टार्ट कर दिया। तो अब हमें ये देखना है कौन सी चीज़ होगी जो मेरी कैपिटल, मेरे पैसे को बढ़ाएगी, और कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मेरे पैसे को कम करेगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने मिड ऑफ द ईयर या फिर बीच में जब ये ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन के बीच में मैंने सोचा, या मई में सोचा, जून में, जुलाई में, कभी भी सोचा कि ऐसा करती हूँ, मुझे थोड़ा सा पैसा और लगाना चाहिए जिससे बिज़नेस मेरा अच्छा प्रॉस्पर करेगा। तो मैंने क्या किया, कुछ पैसा और लगा दिया, दैट इज़ ऑफ 50,000 rupees। अब मैंने पैसा ये भी लगाया और वो भी लगाया, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी, ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया, तो जो मैंने पैसा और लगाया उसको मैं एडिशनल कैपिटल का नाम दूंगी, कि मैंने मिड ऑफ द ईयर या फिर कभी भी जो ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड में मैंने कुछ और पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, सपोज़ वो 50,000 था। अब बताओ मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, नेचुरली बात है इंक्रीज़ होगी, तो एडिशनल कैपिटल ऑलवेज ऐड होती है, ठीक है। अब मेरे पास कितना पैसा हो गया, मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000, राइट। अब क्या हुआ, मुझे लगा नहीं है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं इसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। तो आप ये चीज़ कर चुके हैं, टर्म्स में आपने पढ़ा है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉइंग्स। उसको हम एक टर्म का जो नाम होता है उसका नाम होता है ड्रॉइंग्स। अब क्या कर रही हूँ मैं, मुझे अब इस टाइम 10,000 rupees की ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ बिजनेस में से पैसा निकाल लेती हूँ। तो क्या ये मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो नेचुरली ये क्या करेगा, कम करेगा। तो इसलिए ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा बिजनेसमैन ने निकाल लिया। अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,40,000 हो गई। अब उसने यही पैसा जो भी था उसने अपना पैसा निकाला, तो नेचुरली जब बिजनेस करेगा या तो उसको प्रॉफिट होएगा या उसको लॉस होगा। अगर सपोज़ उसको प्रॉफिट होता है, इसका मतलब वो इतना पैसा लगा के वो और भी कुछ उस पर कमाता है, उसी को तो हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट हमेशा आपकी कैपिटल को बढ़ाता ही है, क्योंकि आपने उस पैसे को लगा के और पैसा कमाया, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो मैं उसको क्या करूँगी, हमेशा ऐड करूँगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक बिजनेसमैन या तो प्रॉफिट अर्न करेगा या फिर वो लॉस अगर होगा उसको। तो प्रॉफिट अगर अर्न करता है तो ये आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, लेकिन अगर वो लॉस होता है तो वो आपकी कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर सपोज़ वो मुझे कहे कि मेरे को 20,000 का लॉस हुआ, और सपोज़ एक सिंपल मैंने 100,000 पैसा लगाया था सपोज़ स्टार्टिंग में, और मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, तो मेरे पे कितने रुपये बचे, 90,000 ना। तो लॉस हमेशा माइनस होगा और प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा। यहाँ पर मैं प्रॉफिट को लेके चल रही हूँ कि सपोज़ मुझे प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ ऑफ 30,000 rupees। तो अगर मुझे 30,000 प्रॉफिट होता है तो ये हमेशा मेरे कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब नाउ माई कैपिटल इज़ 1,70,000, ठीक है। अब 1,70,000, अब देखो एक सिंपल सी थिंग है, इसमें कुछ मैंने क्रैम नहीं किया, कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी बात है। जितना आप पैसा लगाते हैं, अगर उसमें आप कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं तो आपका कैपिटल बढ़ती है, और अगर कुछ निकालेंगे तो कम होएगी आपकी कैपिटल, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपकी कैपिटल को हमेशा बढ़ाता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो कम आपके प्रॉफिट को कम कर, आपके कैपिटल को कम करेगा नेचुरली। तो ये सब कुछ जब मैं कर लेती हूँ तो मेरी लास्ट में जो मेरे पास पैसा बचा, या लास्ट में जो मेरी कैपिटल बची उसी को मैं क्या कहूँगी, क्लोजिंग कैपिटल। अगर कोई मुझसे पूछे बताइए आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी, तो मैं उसको बोलूँगी मेरी 1,00,000 rupees थी। और अब वो पूछता है एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March को, ये जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी वो कब थी, मेरी 1 अप्रैल को थी। तो बताइए आपके एट द एंड ऑफ द ईयर आपने पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया, अब एक साल भी खत्म हो गया, तो अब बताइए अब आपकी कितनी कैपिटल है, तो मैं उसको बोलूँगी कि मेरी कैपिटल 1,70,000 rupees है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस फॉर्म इस ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुँचे, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के उसमें लिख दूँ तो कैसे, क्योंकि अब तो आपको लर्न हो गया है। सपोज़ मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है, आप मेरे साथ साथ देखेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, तो इससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने उसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाया, मैं उसको एज अ स्टेटमेंट लिखती हूँ। सो माई क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल, फिर आपने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था, ड्रॉइंग्स को लेस किया था, और अगर नेट प्रॉफिट हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था, या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रॉफिट लिख देती हूँ, अभी आपको नेट और ग्रोस के बारे में नहीं पता, प्रॉफिट हुआ था तो ऐड किया था, और अगर लॉस होगा तो मैं इस चीज़ को माइनस करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाया, एक सिंपल चीज़ है, उसको मैंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया,
ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट होगी जो मुझे याद करनी पड़ेगी, याद भी क्या करनी है, ये आपको अब लर्न है क्योंकि इसका हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हमें ये चीज़ को याद करा देगा, ठीक है। अब सपोज़ अब वो आपसे क्या कहेगा, आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कहते हैं आप मुझे प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकाल के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देते हैं प्रॉफिट और लॉस है। तो अगर मान लो यहीं से देखते हैं पहले सारी चीज़ें, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जाएंगी, इस साइड चली जाएंगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल ये इस साइड आओगे माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ड्रॉइंग्स हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाऊँ यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकालने का, कोई मुझसे पूछता है कि आप मुझे प्रॉफिट निकालिए या फिर लॉस निकालिए, तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने इसको अकेला छोड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी, राइट। तो अब क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल इधर, ओपनिंग कैपिटल इधर आके क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल जो कि माइनस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल इधर आके माइनस हो जाएगी, ड्रॉइंग्स इधर आके प्लस हो जाएंगे। तो ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। अगर मुझे कहे कि चलो आप ड्रॉइंग्स निकालिए, तो देखो मैं ड्रॉइंग्स कैसे निकालूंगी, ये माइनस में ड्रॉइंग्स है तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं ड्रॉइंग्स को उस साइड ले जाऊँ ताकि ये प्लस में हो जाए, ठीक है ना। अब देखो मुझसे कोई कहेगा चलो ड्रॉइंग्स निकालिए, ईजी है ये, मैं ऐसा करती हूँ ड्रॉइंग्स को उस साइड ले जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस में बाद में मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो ये ड्रॉइंग्स यहाँ प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और ये साइड तो वैसे का वैसा रहेगा, और क्लोजिंग कैपिटल को क्योंकि ड्रॉइंग्स को अकेला छोड़ना है, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इस साइड आके ये वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं ड्रॉइंग्स कैसे निकाल सकती हूँ मुझसे कोई पूछे तो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, उसके बाद प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल इस साइड आ जाएगी तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। ये लीजिए यहाँ पे आपने ड्रॉइंग्स में निकाल दिया। बट मैं क्या रेकमेंड करती हूँ, बजाय ये सब कुछ करने के आप क्या करिए, आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसके नीचे लिख लीजिए, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दी हुई है, ये नहीं दिया हुआ तो उसको मत लिखो नीचे, आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको उस साइड ले जाइए क्लोजिंग कैपिटल को। मैं ये कहती हूँ कि बजाय ये फॉर्मूला आप निकालें, इससे अच्छा जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं आप इसी के नीचे लिखिए और उसके बाद उसको सोल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको करेंगे तो आप ईजिली इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमें इनमें से सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन हमेशा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ही या फिर ड्राइंग्स वो करेगा ही। कई बार होता है वो एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस करता तो नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ड्राइंग्स नहीं की होंगी तो ड्राइंग्स में नहीं दिया होगा। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट दे रखा है तो मैं कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकालूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, राइट। तो ऐसे करके हम कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं जो भी चीज़ हमें दी हो, ठीक है। अभी हम इसको फॉर्म यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, आप बहुत इजीली इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मैं थर्ड जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, थर्ड इज़ माय प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो एक सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के एक इसका भी एक स्टोरी लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, राइट। देखो प्रॉफिट कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ मैं अर्न करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड माई इनकम। सपोज़ अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं, मेरा बिजनेस थी एक शॉप थी, तो जो मेरे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मेरी सेल है, जितना मैं सेल करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड माई इनकम या फिर दैट इज़ कॉल्ड माई रेवेन्यू। मैं इसको एक नया नाम देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। मैं अपनी इनकम को एक नया नाम दे रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। अगर सपोज़ मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने मेक की थी, बनाई थी, उसको मैंने 20,000 रुपीज़ में सेल कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड माई रेवेन्यू, क्योंकि मेरे पास टोटल पैसा कितना आया, 20,000 रुपये आया। तो उसके बाद क्या था, अगर सपोज़ ये 20,000 अर्न करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस क्यों होंगे ना। अब मैं उसको सामान को, सपोज़ मैं पेन बेच रही हूँ तो मैंने उसको पेन को मैन्युफैक्चर किया होगा, अगर मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से उसको ख़रीद के भी तो लाई होंगी, मेरी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी जब मैंने उसको ख़रीदा है। तो मैंने उसको क्या किया, उसको ख़रीद लिया, तो अब ख़रीदा हुआ या फिर मैंने उसको बनाया है, उन सब में जो मेरे पैसे खर्च हुए वो मेरे 15,000 रुपीज़ हुए,
ठीक है, तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको, जैसे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, सपोज मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और मैंने सपोज मैंने पेन मैन्युफैक्चर किया, उसको कॉस्ट बनाने में मेरे 10 रुपये लग गए बनाने में, फिर उसके बाद मैंने एम्प्लॉयज़ को भी उसको खर्चा दिया, जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मैंने अपने लेबर को खर्चा दिया, मैंने क्या किया स्टेशनरी पे कुछ खर्चा किया, मैंने एडवर्टीजमेंट कराई उस पे कुछ खर्चा किया, तो ये सारे क्या होते हैं मेरे एक्सपेंसेस, ठीक है। या फिर मैं एक चीज़ कहूँ कि जो मैंने रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा किया वो सारे मेरे उसी से रिलेटेड क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो मेरे खर्चे हैं। सपोज़ मुझे सब कुछ जो भी चीज़ मैंने बेची उसको बनाने या जिसको यहाँ तक बेचने में मुझे जो पैसे खर्च हुए दैट इज़ ओ 15,000 रुपीज़, मेरे 15,000 रुपये खर्च हुए, तो एक्चुअली में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ दैट इज़ ओ 5,000। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 20,000 की मैंने चीज़ें बेची हैं तो 15,000 मैंने अपने तरफ से भी तो खर्च किए हैं उसके लिए, तो मेरे को प्रॉफिट तो सिर्फ 5,000 का हुआ, ठीक है। तो यहीं से मैंने यहाँ पे निकाला एक नया टर्म, दैट इज़ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो हम फॉर्मूले को याद रखेंगे और इससे हम बहुत से क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज थ्री इक्वेशंस आर, एक बार हम इसका रिकैप करते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैसे है मैंने आपको समझाया, क्लोजिंग कैपिटल से हमने ये फॉर्मूला को जनरेट किया, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं ये चीज़ हमने दिया। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इट, तो कुछ छोटे से न्यूमेरिकल, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम इसके, या फिर मैं ये कहूँ कि नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और आई होप कि आप ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ के आएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।